Please welcome back to my channel and today I am going to share with you my mom recipe how to make perfect jawar bhakri. तो इसके लिए हमने लिया है जवार का आटा, थोड़ा सा उसमें नमक डालना है और थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के इसे अच्छे से गूंदना है हमें बिल्कुल आटे की तरह. पर अगर आपको सॉफ्ट और फुली फुली रोटी चाहिए जवार की तो आपको एक चीज़ फॉलो करनी है अच्छे से कि आपको इसे अच्छे से मसाज करना है बिल्कुल अच्छे से. 2 से 3 बार अच्छे से आप मसाज कीजिए, जितना मसाज करूँगी उतनी रोटी सॉफ्ट और फूली फूली बनती है. तो इसे अच्छे से मसाज कीजिए आप. अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो, अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. तो देखिए अच्छे से मसाज किया मेरी मम्मी ने और उसके अच्छे से 2 पेड़े बना लिए. हमें थोड़ा सा आटा फ्लोर पर डस्ट करना है एंड धीरे धीरे सब तरफ सेम प्रेशर गिरना चाहिए. इस तरह से रोटी को रोल करना है हाथों के थ्रू एंड हम तवे पर इसे डाल देंगे. तवे को अच्छे से गर्म करना है पहले और 1 साइड पे हम इसे थोड़ा सा पानी डालना है और फिर जो नीचे की साइड उसे अच्छे से बेक होने देना है, सेकना है एंड देन हम इसे पलट देंगे. जब एक साइड अच्छे से हो जाए तो पलट दो एंड दूसरी साइड अच्छे से हो जाए इतना हम वेट करेंगे. तो देखिए इसकी दूसरी साइड भी हो चुकी है, हमने फिर इसे अच्छे से पलट दिया है. अब देखिए रोटी जो है ये भाकरी हमारी जवार की थी फूलने लगी है. तो बिल्कुल अगर आप चाहते हो कि इस तरह से आपकी रोटी फूले जवार की भाकरी तो आपको इस अच्छे से आटे को अच्छे से गूंदना है, अच्छे से मसाज करना है तो बिल्कुल आपकी रोटी भी इसी तरह से होंगी. फ्रेंड्स आपको मेरी रेसिपीज अच्छे लगते हो, अच्छी लग रही है मेरी रेसिपी तो प्लीज़ आपके फ्रेंड्स के साथ सोशल मीडिया पे फैमिली के साथ मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि हमारे चैनल के रिलेटेड सबको पता चले और हमारा चैनल और ज़्यादा ग्रो हो जाए. और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. तो देखिए ये हमारी परफेक्ट जवार की रोटी बनके रेडी है. तो मैंने इसे सर्व किया है रेड ग्रीन चटनी के साथ कांदा दही. तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है ना. तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में. आप मेरी वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को. थैंक्स फॉर वॉचिंग.